प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक कई दर्जन मुकदमे बदमाशों पर दर्ज है और पकड़े गए बदमाशों में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश भी है। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद के थाना डिलारी क्षेत्र का, जहां देर रात चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान बाइक पर सवार 3 बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने जैसे ही रोकने का प्रयास किया तो फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई है, तो वहीं पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और इन सभी पर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज है। साथ ही एक हिस्ट्री शूटर बदमाश भी है। तीनों के द्वारा ही गत दिनों कई वारदातों को अंजाम दिया गया था, जिनका खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस को बदमाशों के पास से नकदी सहित अन्य सामान भी बरामद हुआ है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। रात्रि लगभग 11 बजे जलालपुर चौकी थाना डिलारी क्षेत्रांतर्गत चेकिंग चल रही थी। वहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम और थाना पुलिस की टीम मौजूद थी। 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से आते हैं, जब देखते हैं आगे कि वहाँ चेकिंग है तो मोटरसाइकिल घुमाकर भागने लगते हैं। नूरपुर मार्ग पर पुलिस से मुठभेड़ होती है। बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की सरकारी जीप क्षतिग्रस्त हो गई। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं और 1 को गिरफ्तार किया गया है मौके से। घायल बदमाशों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उल्लेखनीय है कि दोनों घायल बदमाश, 1 के विरुद्ध 36 अभियोग पंजीकृत हैं और दूसरे के विरुद्ध कुल 19 अभियोग लूट, हत्या, डकैती जैसे पंजीकृत हैं और ये कुख्यात अपराधी हैं। इसमें से एक अपराधी बाबू और बबुआ हिस्ट्री सीटर है, जिसका एक पंजीकृत गिरोह भी है, और दूसरा अपराधी लक्ष्मण है, जो पूर्व में एक पंजीकृत गिरोह का सदस्य रहा है। वर्तमान में इसका पुराना गैंग लीडर जेल में है। इस प्रकार से इन्होंने एक गिरोह बनाकर, जिसमें 5 लोग सम्मिलित थे, और एक लूट की घटना जो डिलारी क्षेत्रांतर्गत हुई, उसमें 4 अभियुक्त, 1 बदल गया, शामिल रहे, और दूसरी घटना जो चौकी जरगांव से पीछा करके थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र में दिनांक 19 मार्च को घटित हुई, जिसमें 4,94,000 लूट की घटना कारित की गई थी, उसमें 4 अभियुक्त शामिल रहे। घटना में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल, जिसपे यदि आपको याद आ रहा हो तो उस समय एक मोटरसाइकिल का नंबर 9303 पढ़ने में आया था, वही मोटरसाइकिल दोनों घटनाओं में इस्तेमाल हुई। एक अन्य जो फरार अभियुक्त है, दूसरी मोटरसाइकिल उसके कब्जे में है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी व बरामदगी के लिए प्रयासरत है। घटना में उक्त लूट की घटना से संबंधित 1,75,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं, 3 तमंचे बरामद हुए, 10 कारतूस, मोबाइल फ़ोन जो लूट की घटना में गया था वो बरामद हुआ है। इस प्रकार से आगे की वैधानिक कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जा रही है। नहीं, इसमें पुलिस की सरकारी जीप क्षतिग्रस्त हुई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.